I think it's a great medium, and OTT is something जिसने काफ़ी हमारे एक्टर्स को एक नया लाइफ दिया है, एक नया रूप दिया है. हमारे फिल्म मेकर्स भी जो शायद हम स्क्रीन पे एक फिल्म के तौर पे नहीं दिखा पाते हैं, हम OTT पे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा भी दिखा पाते हैं और उसके लिए एक नीश ऑडियंस भी है. सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. बहुत ही एक्साइटेड हूँ और जैसा कि देख रहे हैं आप सब, बहुत ही अच्छा टर्नआउट है. सो ऐसे इवेंट्स जहाँ पे सारे अच्छे आर्टिस्ट, सारे अच्छे कलाकार गैदर होते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में कि OTT कितना बढ़ गया है, कितना आगे OTT का जो अब माध्यम है कितना आगे बढ़ गया है, देख के बहुत अच्छा लगता है. बहुत ज़बरदस्त बदलाव है, स्पेशली टेक्नीशियंस के लिए, राइटर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, बिकॉज मार्केट बहुत बड़ा हो गया. आज OTT जो है वो सिर्फ थिएटर में तो सिर्फ हिंदुस्तान में देखते हैं लोग, या कुछ पॉकेट्स में अब्रॉड रिलीज होती है, लेकिन OTT पे तो आप समझो कि पूरे संसार में रिलीज होती है. लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है. मैं एक्चुअली एक अवार्ड शो में बहुत टाइम बाद आई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है. कोविड के भी पहले से मैं काफ़ी टाइम से आ नहीं पाई थी. बहुत ही मज़ा आ रहा है और बहुत सारे लोग मिलेंगे बड़े टाइम के बाद. रियली लुकिंग फॉरवर्ड. बहुत एक्साइटेड हूँ. वेरी वेरी. बल्कि ये मेरी पहली OTT प्लेटफॉर्म अवार्ड्स मैं अटेंड कर रही हूँ. Normally it's film awards. This is first time OTT awards for me. बहुत ज़्यादा भाई, OTTs ने तो एक बहुत बड़ी दुनिया खोल दी है परफॉर्मर्स के लिए, टैलेंट के लिए. तो एक्साइटमेंट तो है ही है, और OTT ने बहुत कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया है और अच्छे कंटेंट के लिए रास्ता खोल दिया है. तो बहुत अच्छा है. आज़ादी है कुछ भी सब्जेक्ट पे बनाने की, तो कितने नए सब्जेक्ट जो हैं वो जो है वो ट्राई किए जाते हैं, नई नई चीज़ें जो सीरीज़ बन रही हैं या जो डायरेक्ट OTT फिल्म्स हैं. मैं तो खुद बना चुका हूँ लास्ट ईयर कागज़, यू नो. अब कागज़ जैसी पिक्चर कहाँ थिएटर में हो सकता है कि नहीं इतना वो है, लेकिन OTT पे जो उसका रीच हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ असल में. सो आई थिंक इट इज़ ए ग्रेट चेंज एंड ग्रेट चेंज फॉर एवरीवन. आई थिंक जो कॉन्टेंट वहाँ पर आ रहा है लोगों को वो बहुत पसंद है, और पहले सिर्फ होता था एक दो शोज़ की बात होती थी, आजकल हर तरह के शोज़ की, हर लैंग्वेज के शोज़ की बात होती है. सो आई थिंक या ये दिन ब दिन क्रेज़ बढ़ रहा है. देखिए ज्यूरी के अपनी जजमेंट है, फिर पॉपुलर अवार्ड्स होंगे साथ में. सो मेरे साथ आनंद सर थे, आनंद राय थे, अश्विनी तिवारी थी और आदिल हुसैन थे, और जो हमें सही लगा वो हमने किया, और बाकी ऑफकोर्स पॉपुलर के साथ में मैच करके जो होगा वही कहते हैं, कभी कभी हम जो नहीं सोचते हो जाता. सो थैंक यू. And like I always say, my fans, my audience, the biggest thank you is to you guys, because you are I am. Thank you. I'm very happy कि मुझे ये award मिला है, sorry for Tarun Shack Rising Star. It's very nice to receive an award, and बहुत खुशी हुई कि मम्मी मेरे साथ में, हम सब लड़ने से अभी आया है सुबह आया हम दोनों, and I'm just very happy कि ये award मिला है मम्मी के साथ, मम्मी साथ में थी मेरी. I'm just happy that लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारा हार्ड वर्क. सो वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच. पहली बार ऐसा लग रहा है कुछ तो, मुझे तो वैसे कोई बुलाते नहीं अवार्ड्स पे, कभी मैं नॉमिनेट भी नहीं. एक बार हुआ था सनम तेरी कसम के लिए, फिल्म फेयर नहीं गया, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल जब कोई याद रखता है. सो आई फील एज एन आर्टिस्ट यू फील गुड. मैं ज्यूरी में थी तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, हम लोग सब साथ में हमने काफ़ी डिस्कशन किए, और जो जिसको अवार्ड्स मिल रहे हैं होपफुली वी हैव टेकन द राइट चॉइसेस, वी हैव मेड द राइट चॉइसेस, फिर बाकी सब तो ऑडियंस की मर्जी है. सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा इज दैट आप इतने सारे अच्छे एक्टर्स को देखते हो, इतने अच्छे डायरेक्टर्स को देखते हो, सबको एक चांस मिल रहा है, और वो बहुत अच्छी चीज़ है. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जलसा के लिए पहला अवार्ड है इंशाल्लाह मेरा, और ये मेरे लिए बहुत ही खास फिल्म है क्योंकि ये मेरी सुरेश त्रिवेणी के साथ दूसरी फिल्म है, और पिछली वाली फिल्म इससे बिल्कुल अलग थी, पर इसमें शेफाली शाह के साथ भी काम करने का मौका मिला, और सूर्या जिसने मेरे बेटे का रोल किया, और रोहिणी हथंगड़ी, अमेजिंग कास्ट. और मुझे लगता है इतना प्यार मिला है, लोग कह रहे थे कि
यू नो उनका दिल धक धक कर रहा था जब वो फिल्म देख रहे थे और यही रिस्पॉन्स हम चाहते थे, तो इतना प्यार मिला है, आज अवार्ड में मिल गया सोने पे सुहागा. Yeah, I'm very excited. This is my first award on the national level. And I would like to thank the creators of the show, Siddharth Roy Kapoor, the producer, the creators Rohan, Charu Dattacharya, and of course my lovely co-actor, Lavina Tandon. मुझे बेस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अवार्ड मिला है, पॉपुलर फेस. थैंक यू सो मच. भाई मुझे लगता है जो सही टैलेंट है उसको उसको उसका मुकाम मिलना चाहिए, और वो ओटीटी पे हो, ओटीटी पे ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है जहाँ पर कि सिर्फ एक किरदार पर निर्भर नहीं होता है मामला, बहुत सारे ट्रैक्स हैं, उन सब पे फोकस किया जाता है और सारे खेल के आते हैं.